सिंहेश्वर मेले को लेकर एक खास बात आपको अपडेट बता दें कि आगामी 11 तारीख से जो है रोजा शुरू होने वाला है मुस्लिम भाइयों का। ऐसे में मेले प्रशासन के द्वारा जो है एक नया निर्णय लिया गया है। क्या है निर्णय, हम जानते हैं कि जो नया निर्णय लिए है एक, चूंकि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था और पहली बार हो रहा है, क्या है वो? ऐसा श्रीमान कि एक पाक दिन रोजा रमजान का 11 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। दूर दूर से हमारे दुकानदार बंधु झोला वाले बहुत से लोग हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से यहाँ आए हुए हैं, जो परिवार से दूर हैं, तो हर एक जुमा को अफ्तार की व्यवस्था जो है हम लोग साथ में रखेंगे, जिससे कि सामाजिक मिलत की और सद्भाव की संवाद समाज को जाए और आपसी भाईचारा सब में मिले बढ़े। जो मेले का मूल चीज होता है, लोग अपने हर चीज को भूल करके मेले में मिलते जुलते हैं, तो बड़े ही संयोग की बात है कि रोजा रमजान का पाक महीना 11 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। तो जितने भी जुम्मे हम लोगों को पकड़े जाएंगे, जितने भी जुम्मे, तो जुम्मे के शाम अफ्तार की व्यवस्था जो है कार्यालय में हमारे जितने अल्पसंख्यक बंधु हैं और बाकी भी बंधु हैं, सबको मिलकर एक साथ हम लोग अफ्तार करेंगे। इस प्लान को लाने का मुख्य वजह क्या था, अचानक लाया गया है, चूंकि इससे पहले के इतिहास में इस तरह का आयोजन नहीं होता था, पहली बार हो रहा है, तो किसको श्रेय देंगे और क्या इस तरह का, क्या आपस में एक मीटिंग करके इस तरह का निर्णय निकाला गया? देखिए, पिछले महीने में रोजा रमजान का महीना आया था या नहीं आया था मुझे पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो लगभग एक महीना मेला परिसर में वो लोग रहेंगे जहाँ की घर और परिवार से दूर रहेंगे, और हमारे समाज के लोगों को अपने अपने तरीके से वो सेवा देंगे, कोई झूला चला के देंगे, कोई सौदा बेच के देंगे, कोई सामान बेच के देंगे, तो उनको भी एक पारिवारिक माहौल महसूस हो, सामाजिकता उनको महसूस हो, उनको अपनापन महसूस हो, इसीलिए निर्णय लिया गया है। जो उनको अपनापन और अपने समाज के बीच जो अफ्तार की व्यवस्था होती है, सबको मिल के एक साथ खाते हैं, मिल्लत की भावना बढ़ती है, उस चीज़ को यहाँ कार्य रूप दिया जाएगा। खास करके एक इसमें बात का विश्लेषण थोड़ा करना चाहेंगे कि चूंकि आप एक मेला के जो कमेटी के मेंबर हैं के साथ साथ एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, और खास करके जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं वहां पर इस तरह का माहौल नहीं देखा जाता है, तो क्या लगता है कि जिस तरह का जो भावनाएं लोगों के बीच में बनी हुई है कि भाजपा और मुस्लिम का जो एक तो जो होता है वो चीज़ नहीं है, लेकिन मुख्यतः से जहाँ जहाँ भी राज है, भाजपा शासित राज है, वहाँ पर ऐसा नहीं देखा गया है, जबकि वहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय और ज़्यादा बेहतर ढंग से रह पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो सोच है ये बदलनी चाहिए? देखिए, किबंदी क्या चलती है, लोग क्या कहते हैं, ये राजनीतिक बात है, मुद्दे की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उनकी जो भी योजनाएं आई हैं तो क्या उसमें स्पेशली किसी जाति किसी धर्म के लिए योजना नहीं आया है? सबसे बड़ी बात है कि समाज में आपको और हमको रहना है, ठीक है। राजनीतिक परिवेश में, राजनीतिक पार्टी में, हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समाज टूट जाएगा, समाज को बेहतरी के लिए समाज के हर लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि आपसी सद्भाव की भावना बनी रहे। राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे और मैं रहूंगा, और अपने अपने धर्म के प्रति सबों को तरीके में जीने की आज़ादी है, किसी के धर्म में कोई प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके धर्म में हम भी हैं, हमारे धर्म में आप भी हैं, जब तक हम लोग घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो ये राजनीतिक लोग जो चीज़ नहीं भी करना चाहते उसमें विभेद पैदा करते, इसे समाज को बचना है। तो ऐसे में हमारे मेला के जितने भी यहाँ के दुकानदार भाई हैं या और भी जो आसपास से हैं जुड़े हुए, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, खास करके चूंकि आपकी तरफ से ऐलान हुआ है, तो उन भाइयों के लिए आपकी तरफ से क्या ऐलान? उन भाइयों के लिए जो भी भाई मेला में हमारे आए हुए हैं दूर से, तो वो बिल्कुल घरेलू और समाज, जिस समाज से हैं, जिस गांव में हैं, जिस तरह गांव में बैठते थे चाचा भाई सबके बंधु मिल करके शाम को अफ्तार करते थे, सुबह के वक्त शहरी का कार्यक्रम तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कितने बजे लोग जगते हैं उठते हैं, वो सुबह अजान के वक्त का शहरी होता है, उस वक्त वो करना संभव नहीं है, लेकिन अफ्तार की व्यवस्था जो अफ्तारी जो है हम लोग साथ करेंगे, जिससे उनको ये लगे कि मैं भी अपने गाँव में ही हूँ, मैं अपने समाज में ही हूँ, ये भी मेरा समाज है, यहाँ भी मेरा अधिकार है, मेरा समाज है। तो एक परिपाटी जो कंप्लीट रूप से चेंज हो गया है, जो एक अमूमन कहा जाता था, उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए आज से इस मेले से ये प्रारंभ हो गया है कि यहाँ पर जो है
मुस्लिम भाइयों को भी उसी तरह से देखा जाएगा जिस तरह से और भी देखा जाता है, और इस तरह से मिलकर रहना है, इस तरह से एक नया एक चलन लेके चलना है कि जहाँ पर कोई भी अलग बात नहीं रहेगी, वहाँ पर सिर्फ और भाईचारे का बात रहेगा। और इसी के कारण है कि आज महिला कमेटी की ओर से इस तरह का घोषणा हुआ है, और जिसके लिए मैं क्या और भी चैनल वाले सब जो भी है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जरूर इसके लिए सराहनीय पहल मानेंगे और इनको धन्यवाद करेंगे कि आम के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम रखा जा रहा। तो हमारे साथ मेला के संवेदक मौजूद हैं, और सर एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आप जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, पिछले बार का मेला तो बेहतरीन था ही, अब की बार उससे भी महा बेहतरीन हो गया है, क्या लगता है कि अगले बार का जो मेला होगा उसमें लगता है कोई कंपटीशन रहेगा ही नहीं? जिला प्रशासन के द्वारा कहकर लीजिए, आप ही कीजिए सर आप इस चीज को, प्रोग्राम को क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, आप लोग का सहयोग है, जिला प्रशासन का सहयोग है, स्थानीय सिंहेश्वर के स्थानीय लोग का सहयोग है। हम लोग अपने तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर बेहतर तरीका से मेला को सजाए, कुछ अलग हर एक साल कुछ अलग ढंग से करें, जिससे यहाँ के सिंहेश्वर के लोकल हो या सहरसा कमिश्नरी के लोग हो, नेपाल से आदमी आते हैं, दरभंगा से आते हैं, पूर्णिया से आते हैं मेला देखने के लिए, तो लगे कि नहीं हर एक साल बेहतर और बेहतर होते जाता और बेहतर होते जा रहा है। अब इस बेहतर के क्रम में यदि जिला प्रशासन को लगे कि नहीं ये संवेदक सब बार बेहतर और बेहतर करते जा रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर जिम्मेवारी सौंपेगी तो हम फिर करेंगे। खास करके जो ये जो रमजान लेकर जो आप लोगों का जो फैसला आया, इसके बाद तो हमको लगता है कि जिला प्रशासन को अत्यधिक खुशी होगा कि इस तरह का निर्णय तो सोचे भी नहीं थे और इन लोगों ने कर दिखाया। देखिए रमजान या एक तो मेला ही आपसी भाईचारा का के लिए हो, मेला होता है, इसमें कोई जात कोई धर्म कुछ नहीं होता, सब आदमी एक है, मेला मिलन के लिए ही मेला लगाया जाता है। और यहाँ जो दूर दराज से आए हुए हैं हमारे मुस्लिम समाज के आदमी भाई सब आए हुए हैं, उनके लिए हम यदि रमजान में इफ्तार पार्टी रखते हैं जुम्मा के रोज, तो कोई बड़ी बात हमारे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं लग रही, क्योंकि वो अपना घर द्वार छोड़ के, कोई झारखंड से है, कोई किशनगंज से है, कोई दरभंगा से है, इतनी दूरी से आके यहाँ रहेंगे और हम लोग उनके लिए एक इफ्तार पार्टी रखेंगे, हमको नहीं लगता है कि उन लोग का हम लोग भरपाई कर पाएंगे, लेकिन हम लोग के तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा कि उन लोग को मेला में कितना ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे, इनके लिए हम लोग इफ्तार पार्टी करना पड़े, जो करना पड़े उनके खुशी के लिए हम लोग करेंगे। तो एक तरह से ऐतिहासिक इस बार का मेला देखा जाएगा, और जिसमें इस तरह का भाईचारा का नमूना पेश होगा, हमको लगता है क्या कि इस तरह का जो भाईचारा का जो संदेश है, आने वाले और भी कहीं भी अगर मेला लगेगा तो वहाँ का जो संवेदक हुआ इस बात को जरूर अपनाएंगे। फिलहाल मेला बेहतर से बेहतर होता चला जाए और 8 तारीख के बाद एक धमाके के साथ मेला का जो लोगों ने सोचा था उसको ध्वस्त कर दे और एक महामेला के रूप में सामने आए, इन्हीं आशा विश्वासात देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज डॉट कॉम। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स लॉ कॉलेज रोड सुभाष चौक इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें सुबह और रात में खाने के बाद।